है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मान लो कि ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा भाई, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, ठीक है, ये चेक करूंगा। अगर नहीं इक्वल है तो ये ऑटोमेटिकली इंटरसेक्शन वाला हो जाएगा भाई, ठीक है, इंटरसेक्शन तो है ही, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अगर है, अगर मानो ए वन बाई ए टू है इक्वल टू बी वन बाई बी टू है, तो हमें क्या करना पड़ जाएगा, जो सी वन है, ठीक है, सी वन बाई सी टू इक्वल है या नॉट इक्वल टू है, ठीक है, अगर इक्वल टू होगा तो भैया ए के ऊपर एक है, नहीं इक्वल टू है तो पैरेलल है, दैट्स ऑल, ठीक है, बेस्ट वे, अंडरस्टूड। बस हमें ए वन ए टू निकालना है, बाकी यहाँ से कंडीशन पूरा चेक कर लो, दैट्स ऑल, हो गया सारी। अगर यहाँ पे अगर है तो यहीं पे रुक जाओ, अगर यहाँ पे आगे है तो फिर आगे चेक करो, ठीक है। अरे आगे में अगर दो ही कंडीशन होगी, या तो इक्वल होगा या तो नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू है तो भी ये कंडीशन है, इक्वल है तो भैया एक ऊपर एक, ठीक है, इजी। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा पूरा, मान लो ठीक है, मैं लेता हूँ वही लेता हूँ सिंपल सा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, ओके सिंपल लेते अपने। अब इसमें ए वन ए टू हम ये आप देख लेना, ए वन क्या है भाई, ए वन क्या है वन है, ठीक है, बी वन क्या है वन है, सी वन क्या है माइनस वन है, ओके, ए टू क्या है वन है, बी टू क्या है माइनस वन है, सी टू क्या है माइनस टू है, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं एक्सैक्टली, ठीक है, क्या चीज कंडीशन मैच हो रही है, ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, ए वन बाई ए टू, सबसे पहले क्या करेंगे, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई, ठीक है, बी टू, अंडरस्टूड, ये चीज हमें पहले चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ए वन क्या है हमारा, ठीक है, वन और वन, ठीक है, यहाँ वन है और यहाँ पे वन है, ठीक है, तो ए वन और ए टू क्या हमारा वन बाई वन है, ठीक है, वन बाई वन इक्वल टू, ठीक है, क्या बी वन बाई बी टू के बराबर है या नहीं, अभी चेक कर रहे हैं, इक्वल टू मैंने पहले नहीं बोल दिया, ठीक है, वो सिर्फ इसलिए बोला है ताकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद इक्वल हो जाए। बी वन क्या है वन, ठीक है, और ये क्या है माइनस वन, रेशियो इक्वल है, नो, इसका मतलब इसका सिर्फ, ठीक है, ये क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, ठीक है, ये दो लाइन अलग बनेगी, इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है देखो, मतलब इक्वल इक्वल टू नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, वन बाई वन और वन बाई माइनस वन, अंडरस्टूड, वन बाई वन इज नॉट इक्वल टू वन बाई माइनस वन, माइनस वन बाई वन, सिंपल सी बात है, वन इक्वल टू, ठीक है, वन माइनस वन के बराबर नहीं है, क्लियर है जय, क्लियर है सर? हम ऐसे कैसे कह सकते कि मतलब वन माइनस वन के इक्वल तो वन माइनस वन के इक्वल कैसे होगा, मतलब इक्वल कैसे नहीं हो, मतलब इक्वल थोड़ी होगा, दोनों अलग अलग है ना भाई, वन और माइनस वन। अबे तू मार्स पे नहीं पढ़ा, अर्थ पे पढ़ा है, अपना नंबर सिस्टम अलग से बना लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो हमें बताया गया उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब तो यार मेरे हिसाब से टू प्लस टू इक्वल टू टेन होना चाहिए, अब तू, अब ठीक है, तू प्रूफ कर दे दुनिया के हिसाब से, मैं भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, दस कैसे, ठीक है, उस पर बहस अभी नहीं करनी है, ठीक है, जब बहस करने का टाइम आएगा डेफिनेटली मैं मौका दूंगा, ठीक है, उस चीज के ऊपर ही, ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, वन इक्वल टू माइनस वन कैसे होगा, एक होता है ना भाई, ठीक है, जो भी करो सब कुछ, ठीक है, बराबर कर देते हैं माइनस करके, वो होता है ना गायत्री का पूरा का पूरा मार्क्स लेके आई और पता चला लास्ट में दो क्वेश्चन गलत हुए, सारे के सारे माइनस जीरो आ गए, वो देखा है साफ सीढ़ी, ऊपर गए फिर नीचे आ गए पूरी तरह, ठीक है, वैसे ही खेल है, अंडरस्टूड, आगे समझ में, ठीक है, ओके, तो ये मुझे पहले ही पता चल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है भैया, इसका एक्स और वाई की वैल्यू सिर्फ दोनों के अंदर एक ही होगी, ठीक है, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगी, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्स और वाई, ठीक है, पेयर्स होंगे जो कि, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फाई इन द मेंस, वहां जो एक्स आई की वैल्यू रखोगे वो एल एच एस कल टू आर एच एस आना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है, जो भी एक्स आई रखोगे, फाइन, क्लियर है? हाँ भाई अंश बोलो। सर माइनस वन अपॉन वन इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन वन, तो सर ये इंटरसेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, कौन सा सर? ये जो अभी आपने एग्जांपल लिया ना वो इंटरसेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी, ठीक है, कि अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2, ठीक है, हमें वहीं रुक जाना है, इसका मतलब सिर्फ a पर इंटरसेक्ट करेगी वो, ठीक है, इसका मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो कि xy का पेयर होगा, जो कि इन दोनों इक्वेशन में रखने पे xy की वैल्यू रखने पे lhs = rhs, ठीक है, वेरी गुड, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ही, ठीक है, अगर मैं x plus y equal to 1 रख देता, ठीक है, अब मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस की जगह, ठीक है, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देता, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे माइनस वन की जगह क्या हो जाता है, वन हो जाता है, ओके, सिर्फ प्लस वन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है भाई, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू, वन बाई वन इक्वल टू वन बाई वन, ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब एक बार तो नहीं कट रहा, ठीक है, या तो पैरेलल होगा या तो एक के ऊपर एक कौन सा एक्ट कर जाएगा, ओके, ठीक है, तो अब मुझे वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और सी वन बाई सी टू निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है, तो सी वन क्या है, इसमें माइनस वन है, इसमें क्या माइनस टू है, तो माइनस वन बाई माइनस टू, ठीक है,
वन बाई टू के बराबर है नहीं, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल हो जाएगा. ओके ठीक है. लेकिन अगर मैं मान लू कि नहीं, मैं यहाँ भी वन रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी वन रख देता हूँ, ओके, टू की जगह वन रख देता हूँ, वॉट इज मीन, माइनस वन बाई माइनस वन, माइनस वन कट जाएगा, वन बाई वन हो जाएगा. मतलब ये दोनों अब कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक साथ दोनों चलेंगे. देखो दोनों इक्वेशन भी एक साथ है, सेम है. लेकिन जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में कभी चेंज भी हो जाता है, लेकिन ओके, वो बाद में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, एग्जाम्पल जब करोगे. ओके, तो आपको ये तीनों कंडीशन बहुत क्लियरली कराना चाहिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ लो, दैट्स ऑल. ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है. फ्रैक्शन का वो है कि सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस करना है. अंडरस्टूड जय? जय अंडरस्टूड? यस. एक्सप्लेन करो सर. अभी ये जो दिया हो, हां यही ना हो? हां हां, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से. ए वन कहां से निकला, ए टू कहां से निकला, बी वन कहां से निकला, बी टू कहां से निकला, मुझे एक एक चीज एक्सप्लेनेशन चाहिए, समझाओ एक. स्टार्टिंग से बताओ तो सर, इसमें तीन कंडीशन होती है, पहली के इंटरसेक्ट करेगी, दूसरा पैरेलल होगी, और तीसरा एक लाइन पे दोनों सेम होगा. ठीक है, और ये क्या है, a1 a2 क्या है, b1 b2 क्या है, ये सब? सर a1 b2 वो है जो x की और y की वैल्यू हम तो कह रहे हैं. नहीं नहीं, क्या है मतलब a1 और a2 और b1 b2 क्या है सर? जैसे पहली इक्वेशन में x है तो x को हम कंसीडर a1, y को b1 ऐसे कर सकते हैं. नहीं आज नहीं, कैसे आप बोल रहे हो, एग्जांपल दो, कोई और एग्जांपल दो सर. कोई एग्जांपल, और इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, a1 a2 और b1 b2 को कोएफिशिएंट बोलते हैं. कोएफिशिएंट क्या होता है भाई, अगर मान लो, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ, वापस देखो इसको. ठीक है, अगर मान लो कि मैं ये बोलता हूँ, ये आपका 2x है. ठीक है, तो x क्या है, आपका वेरिएबल है. वेरिएबल पता है जय? वेरिएबल पता है आपको क्या होता है सर? ये जो अल्फाबेट, मतलब अबे अल्फाबेट सर, क्या तू भी यार सर, x मतलब जैसे 2x है, मतलब x तो सर वेरिएबल ही होगा ना. वेरिएबल होता क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं. वेरिएबल तो ठीक है, वो तो मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल है, तो होता क्या एग्जैक्टली? प्रतीक आप बताओ. जय नहीं पता है आपको? आप तीनों क्लास में थे, आपने तीनों बार बताया, फिर आप तीनों बार भूल गए. क्यों? क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है. आफ्टर क्लास इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस यू विल नॉट एबल टू रिमेम्बर. सिंपल सी बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है प्रतीक, प्रतीक और आयुष आप जय के साथ बैठोगे क्लास के बाद. ठीक है, और मेक श्योर कि इसमें एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है, आप लोग डिस्कस करोगे तीनों, फाइन, और रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे. ओके जय क्लियर है? यस ओके. हाँ हाँ प्रतीक बोलो सर. वेरिएबल मतलब अगर किसी भी कोई भी वैल्यू होती है कंडीशन के हिसाब से. ठीक है, तो इसके अंदर देख लो जय, ये जो एक्स है ये वैरी, ठीक है, वैरी करता है, डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन. जैसे मैंने बताया था, अगर हमारा मूड खुश हो जाता है यार बरसात आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप पड़ गई, बहुत ज्यादा, ठीक है, उमस हो गई, तो फिर अपने क्या मूड खराब हो जाता है. दैट इज ठीक है, वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंड ऑन द इक्वेशन. ठीक है, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से. और ये टू क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट. ठीक है, जो ए वन हमने निकाला था, ठीक है, इसको माना था. ठीक है, ए वन जो था वो एक्स का कोएफिशिएंट था. ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, ये है, ये टू इसका कोएफिशिएंट है. वहां पे क्या किया था हमने, एक्स के आगे कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई बाय वन तो हो सकता है, तो हमने वन एज ए कोएफिशिएंट कर लिया था. अंडरस्टूड? थैंक यू. हाँ बोलो भाई. ठीक है, और कोई क्वेरी तो समझ में आ गया? यस सर. समझाओ मुझे, समझा भाई, तुम्हें क्या लगा स्पिनर ने 150 किलोमीटर पर आवर की बॉल दे दी, आ गई सामने, स्पिनर ने गलती से फास्ट बॉल डाल दी, ये तो चीटिंग है. हाँ हाँ बोल भाई. भाई बोल सर, समझ आ गया है. अरे तो एक्सप्लेन करना, समझ में आ गया तो समझ में आ गया, लेकिन शब्द नहीं है मेरे पास बयां करने के, ऐसा है क्या? यस सर. यस सर, आई थिंक वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इन दिस कोविड, एज अ कोविड पेशेंट, मतलब शायद हो सकता है कोरोना का कोई हेल्प कर रहा हो, कुछ बताना चाहोगे आप, दो शब्द कहना चाहोगी? नो सर, यही दो शब्द मेरे. हाँ गायत्री बताओ. यस सर बताओ तो सही. क्या देख मैं, ठीक है, मैं तुझे जबरदस्ती नहीं बोल रहा, मैं तुझे आराम करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन तुझे ही आना है तो मैं क्या करूँगा, इतनी बार हाथ जोड़ चुका हूँ, प्लीज मत आया कर. ठीक है, तू अभी आराम कर.
चल ठीक है, तुझे जो अब वो नहीं बोलेंगे, एनर्जी शुड बी कंजर्व राइट, फाइट करनी है ना कोविड से अंदर। हाँ आयुष तुम बताओ, इसमें करो जय सुन लो पहले, जय सुन लो आयुष एक्सप्लेन करो प्लीज। अगर मतलब यहाँ पे A1 और A2 जो है वो कोएफिशिएंट है x और y के, हमने उस पे ऐसे मतलब अज्यूम किया है A2 और A1 और A2 के फॉर्म में, फिर हमने चेक किया है कि A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ पे, और अगर